नमस्कार। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच किस तरह से तुलना करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इसके लिए कुछ चीजों को हमें जानना होगा, कुछ बातों को जानना होगा। पहला ये है, धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। दूसरा, धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा शून्य से बड़ी होती है। तीसरा, ऋणात्मक परिमेय संख्या हमेशा शून्य से छोटी होती है। ये तीन तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब चौथा, दो धनात्मक संख्याओं अथवा दो ऋणात्मक संख्याओं में तुलना करने के लिए उनके हर को समान करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले उनके हर को समान करते हैं। अब हम देखते हैं कि समान हर वाले परिमेय संख्याओं में जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होता है वह परिमेय संख्या बड़ी होती है। अब ये जो चार नियम हमने बताए, कुछ उदाहरणों की सहायता से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण एक है, रिक्त स्थानों में ये अथवा ये बराबर वाला के चिन्ह भरे। इन तीनों में से चिन्ह भरना है। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो चिन्ह होता है इस तरह से, तो इस साइड बड़े ये इस साइड बड़ा रहता है ना? और ये जो तीर वाला इस तीर तरफ रहता है ना, ये छोटा होता है। ये याद रखना है ना? ये इसे कह सकते, पेट पेट तरफ बड़ा होता है और ये तीर तरफ छोटा होता है। ये ध्यान रखना है। ए नंबर देखिए, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। तो पहला क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक से बड़ी होती है, तो हमेशा ये तो बड़ी होगी, धनात्मक बड़ी होगी, ऋणात्मक छोटी होगी। इसके बाद हमने देखा था कि धनात्मक संख्या शून्य से हमेशा बड़ी होती है, तो ये ऐसा होगा। सी नंबर है, ये ऋणात्मक है, ये शून्य, तो ऋणात्मक हमेशा शून्य से छोटी होती है, यानी शून्य बड़ी होती है, तो यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां देख रहे हैं, यहां फिर ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो धनात्मक तो हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां ई नंबर देखिए, माइनस थ्री बाई माइनस फोर और ये थ्री बाई फोर, तो यहां ये अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर थ्री बाई फोर ही बचेगा। अर्थात ये क्या है, ये बराबर है। ये क्लियर हो गया है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, रिक्त स्थानों में ये चिन्ह भरना है। यहां देख रहे हैं ए नंबर में ये दोनों ही धनात्मक है और बी नंबर में दोनों ही ऋणात्मक है। तो ऐसे के लिए हमने क्या बताया था कि पहले हर को समान करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है। ठीक है, तो ए नंबर को हम सॉल्व करते हैं। यहां हर है चार और यहां हर है सात, तो हर को बराबर करने के लिए, समान करने के लिए हम इसका एलसीएम अर्थात लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। तो चार और सात का अगर लॉस ऑफ आप निकालेंगे तो ये आएगा 28। तो अब हम 3/4 बराबर 3/4। अब इसका हर को 28 करना है क्योंकि लॉस हमारा आया है 28, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 7 से गुना करेंगे। तो जब नीचे हम हर में गुना कर रहे हैं तो अंश में भी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 की आई 21 बटे 28। अब इसी तरह से 5/7 को भी करेंगे
तो ये 5/7, और इसको 28 करने के लिए हमें 4 से गुना करना होगा, तो ये हो गया 20/28। तो यहां हम देख रहे हैं इन दोनों में 21/28 और 20/28 हर तो समान है लेकिन अंश अलग है, यहाँ 21 है यहाँ 20 है, अर्थात ये बड़ी है ना। तो चूंकि 21/28 बड़ी है 20/28 से, इसलिए 3/4 बड़ी है 5/7 से। तो यहां क्या होगा, ये चिन्ह आएगा। अब बी नंबर देखते हैं, यहां भी इसी तरह से हर को समान करेंगे, ये दोनों ही ऋणात्मक है, -3/4 बराबर -3/4, 4 और 3 का लसा क्या होता है 12, तो इसको हम 4 को कितने से गुना करेंगे कि 12 हो जाए, 3 से, तो अंश को भी ऐसा ही करेंगे गुना 3 से, तो ये हो गया -9/12। अब इसी तरह -5/3 इसका टू -5/3। अब यहां भी हमको हर 12 लाना है, तो 3 को 4 से गुना करेंगे और अंश को भी करेंगे, तो ये हो गया -20/12। अब यहां पर देखिए दोनों का हर तो समान हो गया 12, यहां भी 12, और अंश यहां है -9 और यहां -20, तो इसमें बड़ी कौन है, -9 बड़ी है, -20 छोटी है, तो इसलिए अच्छा चूंकि -9/12 बड़ी है -20/12 से, इसलिए -3/4 बड़ी है -5/3 से, तो यहां पर क्या होगा, इस तरह का चिन्ह आएगा। तो आशा है कि परिमेय संख्याओं की तुलना करना आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। धन्यवाद।